दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन गोरखपुर अब विश्व स्तरीय होने जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन पर अब आपको मल्टी लेवल पार्किंग, फूड प्लाजा, शॉपिंग मॉल, होटल और अस्पताल भी देखने को मिलेंगे। जी हां, अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जो लगभग 498 करोड़ की लागत से होगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन में विश्व स्तरीय कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। 498 करोड़ की लागत से स्टेशन में विश्व स्तर की कई सारी सुविधाएं मौजूद होंगी, साथ ही इसमें शहर के कलाकृतियों की झलक भी दिखाई देगी। स्टेशन के भवन में गोरखनाथ मंदिर का अक्ष दिखेगा। एयरपोर्ट की तरह प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था कराने के साथ ही ई रिक्शा का पंजीकरण कराकर व्यवस्था कराई जाएगी। मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति राघवेंद्र कुमार के अनुसार एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स के साथ मल्टी लेवल पार्किंग, फूड प्लाजा, शॉपिंग मॉल, होटल, अस्पताल के साथ ही यात्रियों के आवागमन की अलग अलग सुविधाएं रहेंगी। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन को बस स्टैंड एवं भविष्य में बनने वाले मेट्रो स्टेशन के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफ प्लाजा बनेगा, नीचे से ट्रेनें आएंगी जाएंगी और ऊपर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहेंगे। इससे सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ा जाएगा और हर जगह एस्केलेटर यानी स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाएंगी। इसी प्रकार स्टेशन के उत्तरी गेट से सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 9, 8 और 7 पर पहुँच जाएंगे। प्लेटफार्मों तक पहुँचने वाले यात्रियों के लिए उत्तरी गेट से प्लेटफॉर्म नंबर 9 के ऊपर बनने वाले रूफ प्लाजा तक फ्लाईओवर बनेगा, यानी अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन भी विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों में शुमार होने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यूपी टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यूपी टाइम्स न्यूज़, निष्पक्ष, निडर, बेबाक।